हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन सस्टेनेबल फार्मिंग चैनल। दोस्तों आज मैं कुछ थोड़ा मायूस हूँ, देख सकते हैं आप किस लिए है मेरी मायूसी। तो ये हाल है मेरे नेमाटोड की वजह से। तो इसका तो कुछ चारा ही नहीं है मेरे पास, अब जो फॉर्मलिन प्रोसेस है वो करवाना ही पड़ेगा। एक्चुअली मैंने जो आपको पीछे भी इससे पहले की अर्ली वीडियोज़ में उसकी पिक्चर डाली है, जो सॉल्यूशन मैंने इसमें डाला हुआ था, तो लेकिन फिर भी ये कंट्रोल नहीं हो पा रही। आप देख सकते बिल्कुल टोटली प्लांट डेड हो चुका है। लेकिन ये मैंने नोटिस किया है, इस वाले पॉलीहाउस में मेरे सबसे ज़्यादा है, जो फर्स्ट एंटर करती है, जो पहले है, एक इसके बैक साइड में है, इसके बैक साइड में सामने देख सकते हैं आप, वो दूसरा है, इसके ऊपर है, वो तीसरा पॉलीहाउस है। लेकिन इस पॉलीहाउस में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको दिखाऊँ मैं। हालांकि उतना नेमाटोड तो शो कर नहीं रहा है, ये देख सकते हैं, लेकिन है फर्क तो है इसमें, मर चुका है प्लांट को। और दिखाता हूँ, इसमें है, इसमें भी है, देख सकते हैं। चलो जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या बनता है। अब इसका आपको अपडेट करता रहूँगा। हाँ, और पिछले कल भी मेरी कैप्सिकम की हार्वेस्टिंग हुई थी, तो अबाउट 70-80 kg के आसपास निकल गया था। तो आज मंडी में पहुंचा होगा, अभी रेट का एक्सेक्ट पता नहीं मुझे, तो अपडेट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो ये यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत बुरी हाल हो चुकी है इसके, बिल्कुल पत्ते श्रिंक हो चुके हैं, ये नेमाटोड का असर है। ड्रिपलाइन में सब कुछ दिया, बस फॉर्मुलिन वगैरह की ट्रीटमेंट ही करनी पड़ेगी ताकि इसका लेवल कंट्रोल हो सके। देख सकते हैं पहुंच तो इनकी हाइट बहुत है, अबाउट 10 फुट के आसपास पहुंच गई है। तो लेकिन जब नीचे से ही डाइट नहीं मिलेगा कुछ, तो कुछ ग्रोथ होगा ही नहीं, तो आप भी जानते होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। और आज कुछ बोलूँगा भी नहीं, ठीक है भाई दोस्तों।